दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हुआवे के ऊपर जो यूएस में ट्रेड में ब्लैक लिस्टिंग की गई है, उसका वो प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, और प्रॉब्लम को ही एक्सप्लेन किया था। और उस वीडियो में कमेंट्स आए थे बेसिकली कि जो प्रॉब्लम बता दिया है उसका सोल्यूशन क्या होगा, और क्योंकि हुआवे का साइज बहुत बड़ा है, हुआवे एक बहुत बड़ी कंपनी है और ZTE एक और चाइनीज़ कंपनी थी जिस पे इससे पहले ऐसे ही इसी टाइप के सैंक्शन ही उसने लगाए थे, ऐसे ही बैन किया था, और उसके बाद ZTE मार्केट से गायब सी हो गई थी। तो वैसे ही क्या हुआवे के साथ भी ऐसे ही होने वाला है, पर हुआवे क्योंकि साइज़ में बहुत बड़ी है ZTE से, इसलिए हुआवे के साथ वैसा कुछ नहीं होगा, हुआवे एक बेहतर इमेज लेके मार्केट में अपने कंज्यूमर्स के सामने आएगी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिकली कि हुआवे की जो प्रेजेंट सिचुएशन, उसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, और हुआवे के बहुत बड़े साइज का क्या इस प्रेजेंट सिचुएशन में कोई खास फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीक आचार्य, और आज बात करेंगे हुआवे की प्रेजेंट सिचुएशन के पॉसिबल सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, अभी मार्केट में जो दो लीडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो पहला है एप्पल का iOS और दूसरा है गूगल का एंड्रॉयड। अब ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम ना सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, बल्कि ये पूरा एक इकोसिस्टम ऑफर करते हैं अपने कंज्यूमर्स को। बेसिकली इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो इकोसिस्टम बेसिकली ये होता है कि एक हार्डवेयर डिवाइस है, उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर के जरिए आपको एप्लीकेशंस के जरिए जो एक पर्टिकुलर यूज़र एक्सपीरियंस डिलीवर किया जाता है, वो बेसिकली एक इकोसिस्टम होता है जो आपको किसी पर्टिकुलर डिवाइस मैन्युफैक्चरर के द्वारा एक्सटेंड किया जाता है किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन के जरिए। अब इकोसिस्टम को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था लगभग 10 साल पहले नोकिया के उस वक्त के सीईओ ने, जब नोकिया बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनर करके मार्केट में अपने लूमिया सीरीज़ के हैंडसेट्स को लेके आया था, लूमिया सीरीज़ के स्मार्टफोन्स को लेके आया था, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट को लगभग इससे पहले 6 साल का एक्सपीरियंस था मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने का, और एंड्रॉयड को मार्केट में आए हुए 2 साल हो गए थे, iOS को मार्केट में आए हुए लगभग 3 साल हो गए थे, और नोकिया का सिम्बियन उस वक्त लगभग 40% मार्केट शेयर नोकिया के सिम्बियन के पास था। तो बेसिकली वो मार्केट को लीड कर रहे थे उस वक्त, पर काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा था नोकिया का मार्केट शेयर, और इसलिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनर किया था ताकि वो अपना मार्केट शेयर दोबारा से क्लेम कर सकें। पर लगभग 3-4 सालों बाद भी, जब काफ़ी स्ट्रगल के बाद भी विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का मार्केट शेयर डिक्लाइन करता गया और लगभग 1% से भी कम हो गया, तो फाइनली नोकिया को अपने बिजनेस आउट ऑफ द बिजनेस जाना पड़ा, नोकिया को अपना हार्डवेयर डिवीजन बंद ही करना पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग 6-7 सालों बाद 2017 में फाइनली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद कर दिया, और अभी जो मार्केट में आपको नोकिया की डिवाइसेस मिलती हैं वो बेसिकली HMD ग्लोबल मैन्युफैक्चर कर रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का कई नामों निशान भी नहीं है मार्केट में। तो नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट अपने ज़माने की बहुत बड़ी कंपनीज थी, बहुत बड़े नाम थे, पर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल डिवाइसेस की बात जब हुई तो वो भी गायब हो गए मार्केट से। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी के साइज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब बेसिकली यूज़र को क्या यूज़र एक्सपीरियंस डिलीवर कर रहे हो इससे फ़र्क पड़ता है। तो अगर हुआवे जैसा एक्सपीरियंस अभी तक यूज़र्स को डिलीवर करता आया है वैसा एक्सपीरियंस नहीं डिलीवर कर पाएगा, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हुआवे इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी अपना मार्केट में शेयर लूज करती जाए, अपने मोबाइल डिवीजन को उन्हें फाइनली बंद करना पड़ सकता है, ऐसा इतना बुरा भी रिजल्ट हो सकता है इस बात का, क्योंकि हमारे पास्ट में एक्सपीरियंस है नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज का आउट ऑफ द बिजनेस जाने का। तो पहला जो ये आपको पॉसिबल बड़ी कंपनी वाला जो प्रॉस्पेक्ट था वो तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि कंपनी के बड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूज़र एक्सपीरियंस से फ़र्क पड़ता है। अब दूसरी बात है यूज़र एक्सपीरियंस की, तो बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस ही वो चीज़ है जो किसी डिवाइस को मार्केट में सेलेबल बनाती है। अगर आप यूज़र एक्सपीरियंस डिलीवर नहीं कर पाते जैसा कि यूज़र को चाहिए, तो आपकी डिवाइसेस नहीं बिकेंगी, आप भले ही कितनी बड़ी कंपनी हो या कितनी भी छोटी कंपनी हो। तो पहला तो ये हो गया कि आपकी कंपनी के साइज से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। दूसरा जो एलिगेशन है हुआवे के ऊपर, वो US का कहना है कि आप अपनी डिवाइसेस के जरिए यूज़र का डेटा चोरी करते हो। अब प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न है, आपको फेसबुक का भी पता होगा कि कैम्ब्रिज एनालिटिका के बाद फेसबुक की रेपुटेशन कितनी गिर गई है मार्केट में, लोगों ने उनका प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, लोग फेसबुक यूज़ करना कम कर चुके हैं कैम्ब्रिज एनालिटिका के स्कैंडल के बाद, और प्राइवेसी अभी प्रेजेंट जनरेशन में लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न है।
तो जो सोल्यूशन की बात अगर मैं करूँ तो प्रॉब्लम जो यूएस ने आइडेंटिफाई की है वो ये की है कि हुआवे लोगों का डेटा स्टील कर रही है, उनकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो हुआवे को करना ये चाहिए कि किसी इंडिपेंडेंट एनालिटिक्स कंपनी से या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा अपना ऑडिट करवा लें और दुनिया के सामने ये प्रूव कर दें कि वो अपनी डिवाइसेज या अपने टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसी का भी डेटा स्टील नहीं कर रहे हैं और मुद्दा वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। पर इसकी बजाय हुआवे करके रहा है, उनका लगभग डेली बेसिस पे, जब से ये उनके ब्लैकलिस्टिंग हुई है तब से लगभग डेली बेसिस पे कोई ना कोई स्टेटमेंट हुआवे का आ रहा है। और बेसिकली उसका सार ये होता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि यूएस 5G टेक्नोलॉजी में उतना अच्छा नहीं कर पाया जितना हुआवे ने किया है, क्योंकि यूएस हुआवे से पीछे रह गया 5G टेक्नोलॉजी की रेस में, और इस वजह से यूएस एक लूज़र की तरह उनको थू करना चाहता है मार्केट में, उनकी इमेज को बुरा करना चाहता है, और इस वजह से ये ब्लैकलिस्टिंग और सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो ये इस तरह की स्टबननेस से किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, और बेसिकली इसमें लूज़ कस्टमर ही कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो यूज़र एक्सपीरियंस है जो एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं और आप जो कस्टमर्स हैं जो हुआवे के डिवाइसेस खरीद रहे हैं उनको नुकसान होने वाला है, ना कि किसी पर्टिकुलर कंपनी को। और इवेंचुअली हुआवे को तो बहुत सारा नुकसान होने वाला है, क्योंकि उनकी इमेज पहले से ही काफ़ी बुरी थी। पिछले 2-3 सालों में अच्छी डिवाइसेस मार्केट में रिलीज़ करके जो अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस उन्होंने मार्केट में दिया है कंज्यूमर्स को, उसकी वजह से उनकी इमेज थोड़ी अच्छी हो गई थी। पर इस तरह की स्टबननेस से जो हुआवे कर रहा है कि जब यूएस उन पे सैंक्शन लगा रहा है किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, तो वो उल्टा यूएस को ही बुरा भला कह रहे हैं, इससे उनकी इमेज को ही घाटा होने वाला है, इससे वही लूज़ करने वाले मार्केट शेयर। तो मेरी राय में हुआवे को करना ये चाहिए कि किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को हायर करे, अपना ऑडिट करवाए और दुनिया के सामने ये प्रूव कर दे कि वो कंपनी कोई डेटा स्टील नहीं कर रही है। तो यूएस का जो सैंक्शन लगाने का जो बेसिस है वही नल एंड वॉइड हो जाएगा, और फिर उस तरह के सैंक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई ये प्रूव कर दीजिए कि आप वो नहीं कर रहे हैं जो यूएस कह रहा है, और फिर यूएस के पास कोई भी बेसिस नहीं होगा आपके ऊपर कोई भी टाइप का एलिगेशन लगाने का, और फिर बेसिकली कोई भी सैंक्शन नहीं रह जाएगा, और जो भी आपकी पुरानी कंडीशन थी कि आप सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूएस के यूज़ कर पा रहे थे, जो लोगों को आप यूज़र एक्सपीरियंस डिलीवर कर रहे थे वैसा ही यूज़र एक्सपीरियंस पहले की तरह डिलीवर करते रहेंगे, तो इससे कोई भी चीज़ बदलेगी नहीं। और बिल्कुल वैसे ही जिस ट्रैक पे हुआवे चल रहा था, एकदम प्रोग्रेसिव ट्रैक पे चल रहा था कि उनका मार्केट शेयर कॉन्टिन्यूसली गेन कर रहा था, उसी ट्रैक पे दोबारा से हुआवे चलने लगेगा। लाइक करिए अगर आपको मेरा काम पसंद आया, कमेंट्स में मुझे बताइए कि अगर आप एग्री करते हैं मेरे इस व्यू से, कमेंट्स में मुझे बताइए कि इकोसिस्टम्स पे आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं जो मैं फ्यूचर में सोच रहा हूँ कि अपलोड करूँ इकोसिस्टम्स को एक्सप्लेन करते हुए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत पता चल जाए। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।